पता है किससे बात कर रहा है? बताऊं, एसपी पूरन साहब बोल रहा हूं। शहर में कानून व्यवस्था का हाल लेने एक आईपीएस अधिकारी सिविल ड्रेस में निकले तो पुलिस वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया, पर आईपीएस अधिकारी तो थे अपनी धुन में, लिहाजा उन्होंने पुलिस वालों को जब डांट पिलाई और लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने की धमकी दी तो पुलिस वालों की हालत खराब हो गई और उन्होंने तत्काल सैल्यूट मारकर साहब को खुश करने की कोशिश की। पर जब साहस जांच पर निकले ही थे कि लॉकडाउन के दौरान शहर में हो रही अपराध को रोकने में आखिर पुलिस वाले नाकाम क्यों हो रहे हैं यह जांचने, तो उन्होंने जो देखा उनका पारा चढ़ गया। ये पता है किससे बात कर रहा है? बताऊं, एसपी पूरन साहब बोल रहा हूं। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? सुबह या लूट हुई है? अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? ट्रैफिक बिठा रखा क्या? कितने दिन में नौकरी के? अरे कोई गया नहीं क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक पे तो चेक नहीं करेगा? हेलमेट का है, स्टार का है, यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? और तुम्हें वहां बैठने से मोबाइल चलाना जरूरी है? क्या नाम है? अनु कुमारी। वही जाओ, कैसे थे? रिपोर्ट तो देख, मैं वैसे भी करूंगा, मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा, जानता है ना इतना? तो बैठ वहां, कैसे साहब जो आदेश दे रहा हूँ ही नहीं। दरअसल बाइक चलाते सिविल वर्दी में इस साहब को देखिए, ये हैं बिहार के भागलपुर के सिटी एसपी पूरन झा। बारिश के मौसम में पुलिस वालों की जांच में निकले पूरन झा खुद ही भागलपुर में बाइक चलाते रहे और अपने साथ बाइक पर सिविल में ही अपने अंगरक्षक को बिठाकर हर चौक चौराहे घूमते रहे। इसी क्रम में जब सिटी एसपी पूरन झा भागलपुर के मनाली चौक पर पहुंचे तो देखा कि पुलिस वाले आराम फरमा रहे हैं। सिटी एसपी ने अपनी बाइक रोकी और पुलिस वालों को बुलाया, पर सिविल वर्दी में उनको पहचानने को पुलिस वाले तैयार नहीं थे, लिहाजा पुलिस वालों को जब अपना असली चेहरा दिखाया तो पुलिस वाले हड़क गए और तत्काल साहब को सलामी ठोकने में लग गए। भागलपुर के सिटी एसपी पूरन झा भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों में लॉकडाउन की स्थिति जानने भी पहुंचे। इसी बीच बराड़ी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ला पहुंचने पर जब सिटी एसपी ने मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे युवकों को लॉकडाउन के बारे में बताया तो कुछ युवा सिविल ड्रेस में पहुंचे आईपीएस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, जिसके बाद पूरन झा को हाथ में पिस्टल निकाल कर लहराना चला, चला। बहरहाल इस तरह की जांच हर पुलिस अधिकारी को करना चाहिए ताकि पुलिस वालों की असलियत से परिचित हुआ जा सके। सरकार ने भी इस तरह की चेकिंग के आदेश दिए हैं। अब पूरन झा के इस जांच के बाद तो भागलपुर के पुलिसकर्मी सचेत हो गए हैं। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।